भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चौथा वनडे पूरी तरह से न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा। आपको बता दें कि भारतीय टीम में एक बार फिर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और भारतीय टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी सस्ते में निपट गया। भारतीय टीम को महज 92 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ने बुक कर दिया था और इसके बाद 15 ओवर के अंदर मैच को भी खत्म कर दिया। लेकिन इस पूरी जीत में न्यूजीलैंड की टीम के सूत्रधार रहे उनके स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। जी हां, ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन लहराती हुई गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। उन्होंने रोहित शर्मा, शिखर धवन, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का शिकार किया और भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। बड़ी बात यह रही कि ट्रेंट बोल्ट की शानदार तेज गेंदों का कोई जवाब नहीं था। गेंद में मूवमेंट थी, गेंद हिल रहा था, इस वजह से भारतीय बल्लेबाज भी अपनी गलतियां करते चले गए। बड़ी बात यह रही कि भारतीय टीम के का जो मिडिल ऑर्डर था, जो अभी तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ था, वो एक बार फिर कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से टूट गया और एक बार फिर ये कमजोरी सामने आ गई कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो उनके टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा तो भारत का मिडिल ऑर्डर रन नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 4 मैडन फेंककर 21 रन देकर 5 विकेट झटके और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को हराने में एक अहम भूमिका निभाई। ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि उनको गेंदबाजी करके काफी मजा आया क्योंकि जब गेंद मूवमेंट लेती है, तेज जाती है, तो फिर हर गेंदबाज का ये सपना होता है कि वो बल्लेबाज को आउट करे और कुछ वही ट्रेंट बोल्ट ने भी किया। दूसरी साइड से कोरिंडी ग्रैंडहोम ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।